इस वक्त जो वाटर लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। ये देखें, बहुत बड़ी लहरें उठ रही हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, जिधर तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी का हैवी प्रेशर नजर दिखाई देगा। ये देखें, इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर हैर सुलेमान की के मकान पर। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि ये हैर सुलेमान की का ब्रिज है और ब्रिज के जो गेट हैं वो मुकम्मल खोल दिए गए हैं क्योंकि पीछे से पानी का प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा है और पानी बढ़ चुका है। तो कल जो था 1,22,000 क्यूसिक पानी चल रहा था और आज जो है 1,00,000 सुबह के टाइम 1,30,000 क्यूसिक था और अब जो ताजा तीन इतलात है 1,60,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। तो पीछे से हैड गंडा सिंह के मकान से जो पानी का प्रेशर है ना वो कम हुआ है, 1,65,000 क्यूसिक वहां से आ रहा है पानी। तो बीच में एक रेला है जो अभी तकरीबन आज शाम तक या रात तक वो क्लियर हो जाएगा और कल से प्रेशर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। तो जिन दोस्तों के जो घर हैं दरिया के पेट के अंदर हैं या आसपास के एरिए में हैं उनको चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए ताकि किसी बड़े खतरे से बचा जा सके। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको पानी नजर आएगा। पानी की बहुत बड़ी लहरें चल रही हैं जिधर तक आपकी नजर जाएगी। तो और ये जो पानी है ना ये तकरीबन 88 वाले पानी को टच कर रहा है, तकरीबन जो प्लेट्स लगी हुई ना 88 वाली उनके बिल्कुल उनको टच कर रहा है। तो लेकिन ज्यादा खतरा इसलिए नहीं है 88 की निस्बत क्योंकि इसका जो ना पेट वो कम हो चुका है और नीचे गहराई वाला हो चुका है दरिया, इसलिए ये पानी जो प्रेशर से आगे की तरफ जा रहा है। ये देख सकते हैं आप पानी का जो प्रेशर है ना बहुत ज्यादा तेज है। तो मजीद मैं आपको जो ब्रिज के ऊपर से भी मनाजर चेक करवाऊंगा इस वक्त ब्रिज के ऊपर से कैसा व्यू और कितनी बड़ी लहरें उठ रही हैं मुकम्मल तफसील से मैं आपको व्यू चेक करवाऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त जो वाटर लेवल है ना बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। ये देखें, बहुत बड़ी लहरें उठ रही हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, जिधर तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी का हैवी प्रेशर नजर दिखाई देगा। ये देखें ये इतना पानी मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा और पीछे से मैं आपको व्यू चेक करवाऊँ कि पीछे से कितनी बड़ी लहरें इस तरफ मूव हो रही हैं आ रही हैं। ये देखें मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर हैर सुलेमान की के ब्रिज के बिल्कुल मैं ऊपर हूँ और ऊपर से मैं आपको व्यू चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, पीछे जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको बड़ी बड़ी लहरें और बहुत ज़्यादा यानी कि प्रेशर नज़र आएगा। तो मैं आपको ब्रिज के ऊपर से मुकम्मल व्यू चेक करवा रहा हूँ। ये देखें कितना तेज पानी आ रहा है। ये देखें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो आसपास के यानी कि दरिया के एरिए में रहते हैं। वो लोग, उनसे मेरी बात हुई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहते हैं कि इतना पानी हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। जहाँ 88 में पानी आया था अब वहाँ पहुँच चुका है पानी, बल्कि कई इलाकों में तो उससे भी आगे जा चुका है। तो ये देखें, कई पीछे से कई बांध भी टूट चुके हैं जिसकी वजह से जो ना पानी का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। जब हैड गंडा सिंह के मकाम से पानी निकला था वो 2,75,000 क्यूसिक निकला था, लेकिन अब इस वक्त 1,67,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। तो पानी का प्रेशर उस वजह से कुछ डाउन हुआ है। अगर मुकम्मल यहाँ पे पानी आ जाता तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा तबाही होती। अल्लाह ने बचा लिया कि उतना पानी जितना हैड गंडा सिंह के मकाम से निकला था उतना पानी नहीं आया। तो ये देख सकते हैं व्यू, मैं आपको मुकम्मल चेक करूँगा पूरे दरिया का। ये देखें जिधर तक आपकी नज़र जाएगी आपको हैवी प्रेशर और पानी नज़र आएगा। यह थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।